तो दोस्तों यदि बिहार से और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो निकल के आ रही है बिहार सरकार, सीधी भर्ती सिर्फ इंटरव्यू से भर्ती है, सीधे आओ नौकरी लो। कहाँ पे जाना हो मैं आपको बताऊँगा। पद की बात करें तो अतिथि सहायक प्रयोगशाला सहायक के पद है, सैलरी जो है 25,000 प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। तो ये रहा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया दैनिक भास्कर के 1 जनवरी के पेपर में, ये दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि भागलपुर अभियंत्र महाविद्यालय भागलपुर यहाँ पे पिन नंबर दिया गया और यहाँ पे दिया गया है सत्कार सूचना। तो भागलपुर देखकर आप डरिए नहीं, क्योंकि आप किसी भी जिला से इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखते कि बिहार सरकार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जब आते तो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्कार का पता भागलपुर, यानी कि इंटरव्यू का पता यहाँ पर बताया गया है भागलपुर अभियंत्र महाविद्यालय भागलपुर, ये पिन नंबर यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर दिया गया जूम करूँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के अंतर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय भागलपुर के विभिन्न शाखाओं विषयों में सृजित पदों पर आवश्यकता के अनुरूप मानदेय के आधार पर अतिथि सहायक प्राध्यापकों प्रयोगशाला सहायक के कार्य अनुमति प्रदान करने हेतु बताया गया कि वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि सिर्फ इंटरव्यू से। तो यहाँ बताया गया कि निम्न दिए गए तिथियों को निर्धारित फोटोयुक्त आवेदन पत्र, फोटो के साथ आवेदन पत्र, यानी कि बायोडाटा के साथ प्रमाण पत्र, अनुभव आदि के संबंधित सर्वमान्य छाया प्रति प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अनुभव सेवानिवृत्ति एमटेक पीडब्ल्यूडी एंड उच्चतर अर्हता प्राप्त को प्राथमिकता दी जाएगी। यह पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है। और ये रहा दिया गया इसके बारे में, तो विषय शाखा यहाँ पर दिया गया जीव विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, सैनिक अभियंत्रण, कंप्यूटर साइंस एंड अभियंत्रण CSE, और पद का नाम दिया गया अतिथि सहायक। इन सारे विषय में तो आप अतिथि सहायक बन सकते हैं, अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए इन दोनों विषय में आपको होना चाहिए। बताया गया है कि आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे बताया गया है AICTE UGC के नियमानुसार, और मानदेय बताया गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रावधानानुसार। यहाँ पर डेट जो दिया गया है 11 फरवरी को यहाँ पे सत्कार होगा, इंटरव्यू होगा, जो मैं आपको एड्रेस बताया हूँ। तो वहाँ पे अपने कागजात वगैरह बायोडाटा के साथ एक्सपीरियंस वगैरह है, जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह लेकर वहाँ पे पहुँचना है। बताया गया है कि नोट में कार्य अनुमति आवश्यकता एवं मानदेय आधारित होगा तथा विषय द्वारा आवंटित प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। अभियंत्रण गैर अभियंत्रण की डिग्री AICTE UGC के मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। वही तीसरे नंबर पर दिया गया कि अतिथि सहायक प्रयोगशाला के प्रति वर्ग कार्य, यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए 1500 रुपये और मात्र अधिकतम जो है 50,000 प्रतिमाह दे होगा, एवं अतिथि प्रयोगशाला सहायक के प्रति वर्ग कार्य घंटा, यानी कि जैसे प्रति कार्य प्रति घंटा आपको 800 रुपये दिया जाएगा और मात्र बताया गया अधिकतम महीना में 25,000 आपको दिया जाएगा, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। चौथे नंबर पर दिया गया कि आवश्यकता अनुसार पदों पर मेघा क्रमानुसार रखा जाएगा, बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य द्वारा पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए कोई दवा सूचना स्वीकार नहीं होगा, सत्कार हेतु TA DA दे नहीं होगा। छठे नंबर पर दिया गया है कि सत्कार की तिथि एवं अन्य किसी भी अपडेट के लिए कृपया कॉलेज की वेबसाइट, ये रहा, इस वेबसाइट पर विजिट करें या फिर नियमित रूप से विजिट करते रहे और देखते रहे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। अब कई सारे लोगों को, छात्रों को मन में ये बात होगा कि आवेदन कैसे करें, तो इसको आपको बता दें आवेदन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बायोडाटा के साथ आपको एड्रेस जो बताया वहाँ पर पहुँचना है। 11 फरवरी को इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए इस पर विजिट कर सकते हैं www.bcebhagalpur.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है मेजर नोटिस जो कि निकल के आ रही है बिहार सरकार जॉब से रिलेटेड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे मैं बिहार जॉब से रिलेटेड पल पल की खबर लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू।